हेलो किड्स आज हम मैथ्स का टॉपिक करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड मींस डिक्रीज द क्वांटिटी मतलब बैकवर्ड का मतलब है कि क्वांटिटी हमारी कम होती जाती है डिक्रीज मतलब कम होना सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना नंबर्स तो बैकवर्ड मीन्स डिक्रीजेज द क्वान्टिटी नेक्स्ट है फॉरवर्ड फॉरवर्ड मीन्स इंक्रीज द क्वान्टिटी इंक्रीजेस मतलब बढ़ना आगे हो जाना ठीक है वन एग्ज़ाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इस इसमें क्या आ रही है हमारी क्वान्टिटी इंक्रीज हो रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो बैकवर्ड मीन डिक्रीजेज द क्वान्टिटी एंड फॉरवर्ड मीन इंक्रीजेस द क्वान्टिटी ये देखो इसमें बैकवर्ड का मतलब पीछे को एरो लगा है यानी पीछे जाना और फॉरवर्ड में का एरो आगे को लगा है तो इसका मतलब है आगे जाना इनक्रीजेज जैसे ये टेन है टेन के हमने बैकवर्ड जाना तो आएगा टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और फॉरवर्ड का हमने आगे जाना है टेन के बाद तो आएगा इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है तो ये हो गया बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे हम मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ठीक है तो बच्चों छोटा भीम तो आप सब देखते होंगे तो आज हम छोटा भीम के गांव जाएंगे छोटा भीम का गांव कौन सा है ढोलकपुर ठीक है तो ये देखो ये है छोटा भीम का गांव ढोलकपुर तो ढोलकपुर एक गांव है तो वहाँ पे एक पहाड़ी है पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ऊंची चोटी पर एक मंदिर है और ये है चुटकी हमारी छोटा भीम की फ्रेंड इसे जाना है मंदिर में वो देख रही है कि ये तो बहुत ऊँचा है ऊँची पहाड़ी पर है कहती है चलो ऐसा करती हूँ मैं ऊपर जाती जाती हूँ और ना पौड़ियों पर नंबर लिखती जाऊँगी ताकि मैं देखूँगी कि कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं इसके ऊपर तो वो जाती है तो वो नंबर लिखती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर पे पहुँच के वो मंदिर पे पहुँच जाती है फिर वो मंदिर में जाके माथा टेकती है फिर वापस आती है कहती है अब मैं देखती हूँ मैंने जो नंबर लिखे थे वो हैं कि लोगों के चढ़ते चूटते वो मिट गए हैं तो वो पढ़ती जाती है फिर कहती है सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है फिर वो नीचे आ जाती है फिर वो खुश हो जाती है कहती है ऐसे तो मुझे गिनती भी याद हो गई उल्टी गिनती भी याद हो गई ठीक है तो बैकवर्ड काउंटिंग को क्या क्या कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं उल्टी गिनती और एक और चीज़ कहते हैं और इसको कहते हैं रिवर्स काउंटिंग तो जो हमने ऊपर से सिक्स से लेके वन तक किया उसको कहेंगे बैकवर्ड काउंटिंग और जो हमने वन से लेके सिक्स तक किया उसे कहेंगे हम फॉरवर्ड काउंटिंग ठीक है बच्चों तो आपको समझ आ गया बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है और फॉरवर्ड काउंटिंग